अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू एआई टेक 97। तो सुबह मैं एक रिपोर्ट बना रहा था जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट में एक इशू आ रहा था, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो वो एरर कौन सा है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो एरर कौन सा है। ये टेबल ऑफ कंटेंट मैं बना रहा था तो इसमें ये इशू आ रहा था, क्योंकि जब मैं इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहा था तो ये इशू आ रहा था। वर्ड में कोई इशू नहीं आ रहा था, वहाँ पे शो नहीं हो रहा था, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि वो वर्ड में भी शो हो रहा है। ये तो मैंने पीडीएफ बनाया था, अब मैं इसकी वर्ड फाइल ओपन कर लेता हूँ। ये वर्ड फाइल ओपन हो चुकी है, ठीक है। ये टेबल ऑफ कंटेंट है जिसमें इशू है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ अपडेट फील्ड, ये देखें इशू आ रहा है, नो टेबल ऑफ कंटेंट एंट्रीज फाउंड, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, इशू को कैसे करेंगे, जस्ट राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपडेट पे दोबारा क्लिक करेंगे। ये देखें अपडेट पेज नंबर ओनली, ठीक है, या पेज नंबर को अपडेट करें या अपडेट इंटायर टेबल, इंटायर टेबल पे इशू आ जाएगा जो मैंने पहले आपको दिखाया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखाएगा कि ये एरर आपके टेबल ऑफ कंटेंट में है। इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है, तो अब हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। जैसे आपने वही वर्ड फाइल को ओपन कर लेना है टेबल ऑफ कंटेंट वाली, ये ठीक है। टेबल ऑफ इसमें जो अपडेट वाला ऑप्शन है उसको हमने डिसेबल करना है, ठीक है। तो जस्ट हम इस सब को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से इंटर करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और F9। जस्ट आपने ये करना है और कुछ भी नहीं करना। करने के बाद जस्ट आप इसको सेव कर लें। मैं इसको यहाँ पर ही सेव कर लेता हूँ, तो हम इसका पीडीएफ भी बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेव एज, ठीक है, और यहाँ से हम इसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर देते हैं। देखते हैं कोई इसमें इशू तो नहीं आ रहा। ये देखें अब ये मसला बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। जस्ट आपने क्या करना है, इसकी एक ही तरीका है, जो जस्ट आपने टेबल ऑफ कंटेंट को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने अपने कीबोर्ड से जस्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट और प्लस F9 को प्रेस करना है, तो आपका ये मसला सारा सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।